अब मुमकिन है कि काफी थोड़ी जो हम देख रहे थे रात में ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही थी, बड़ी जो है सरप्राइज देने जा रही है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और हमजा शहबाज भी। ये हमजा शहबाज पहुंच चुके हैं जी ईवान में, हसन साथ ही रहेगा। और ईवान इस वक्त फुल स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, राह हक, आज़ाद अरकान, ये तमाम यहाँ मौजूद हैं। हमजा शहबाज पहुँचे हैं, डिप्टी स्पीकर अपनी सीट पर मौजूद हैं। हसन, हम ये देख रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के पीछे काफ़ी लोग खड़े हैं, ये प्राइवेट गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और ये तिलावत कलाम पाक शुरू हो चाहती है। ये सार्जेंट एट आर्म्स है, जहाँ पर ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि वो मामला को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जब 16 अप्रैल को सिचुएशन बनी थी तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और मामला को बेहतर करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा था। आज डिप्टी स्पीकर ने अपनी मर्जी के सार्जेंट एंड आर्म्स जो है वो अपनी मर्जी की तैनातियाँ की और ये कहा कि ये अफराद जो है मेरे साथ वहाँ पर मौजूद होंगे ताकि अगर कोई हंगामी सिचुएशन नाफिज होती है तो फौरी तौर पर ऑर्डर दें और मुतलका अफराद को गिरफ्तार करवा सकें। जो उन्होंने बाकायदा जो है ये तमाम अफराद को आगाह भी कर दिया है मुतलका हुकाम को और ये भी बता दिया गया है कि जो मैं ऑर्डर दूंगा उसे हर सूरत पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना होगा। आप जो है तिलावत कलाम पाक के पास अगर देखें तो कलाम जीत के बाद सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा है वजीर आला पंजाब का इंतखाब। तिलावत कलाम मजीद के बाद कोई तौर पर नाकिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी और कोई तौर पर जो है वो आगे शुरू हो जाएगा और